नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको उन स्टार्स के बारे में बताएंगे जो न सिर्फ अपनी फिल्मों, अपने सीरियल्स को लेकर चर्चा में रहे, बल्कि वो स्टार्स जिन पर रेप और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे। इस लिस्ट में सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्लवी पुरी की। हालांकि वो अलग बात है कि पूरा टीवी जगत उनके समर्थन में आकर खड़ा हो गया है, उन्हें निर्दोष बताया जा रहा है, फैंस इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें, पर्लवी पुरी पर एक नाबालिग से रेप के आरोप लगे हैं, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पर्लवी पुरी को भेज दिया गया है। राखी सावंत, अनिता हंसनंदानी, एकता कपूर, अली गोनी समेत तमाम सितारे आगे आए हैं और पर्लवी पुरी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है जाने माने फिल्म मेकर राजकुमार संतोषी का। जी हां, भारतीय फिल्म निर्देशक और निर्माता राजकुमार संतोषी पर ममता कुलकर्णी ने चाइना गेट के सेट पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस लिस्ट में अगला नंबर किसका है। ये कोई और नहीं बल्कि जाने माने एक्टर अमन वर्मा है। अमन को आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कई सीरियल्स में देखा होगा। खुलजा सिमसिम नाम से एक सीरियल ये करते थे, एक शो था, आपको याद होगा। और इन पर कास्टिंग काउच स्टिंग ऑपरेशन के ये शिकार हुए थे। बताया गया था कि मार्च 2005 में इन्होंने करियर में मदद करने के लिए किसी से सेक्सुअल फेवर मांगा था और ये जो पूरा स्टिंग था ये इंडिया टीवी पर प्रसारित भी किया गया था 2005 की, ये मैं आपको बात बता रही हूँ। अब बात कर लेते हैं आदित्य पंचोली की। आदित्य पंचोली तो हमेशा से विवादों में इसलिए भी रहते हैं क्योंकि कंगना रनौत उन पर कई तरह के आरोप लगाती हैं। खैर, इन सबके बीच बताया जाता है कि आदित्य पंचोली पर अपनी जो पूर्व प्रेमिका है पूजा बेदी, उनकी 15 वर्षीय नौकरानी के साथ रेप करने का आरोप लगा था। बताया भी जाता है कि आदित्य पंचोली और पूजा बेदी डेट कर रहे थे, उस दौरान ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था, जिसके बाद पूजा बेदी ने आदित्य पंचोली को छोड़ दिया था। इस लिस्ट में अगला नंबर आता है इंद्र कुमार का। बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रहे हैं लेकिन साइड रोल्स में उनको काफी ज्यादा देखा गया है। कहीं प्यार ना हो जाए, वांटेड और माँ तुझे सलाम जैसी फिल्मों में साइड रोल निभाने वाले इंद्र कुमार पर भी रेप का आरोप लगा था। इनफैक्ट उनको तो गिरफ्तार भी किया गया था। 23 साल की एक लड़की ने इंद्र कुमार पर रेप का आरोप लगाते हुए वर्सोवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और उन पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। और अब बात कर लेते हैं शाहिनी आहूजा की। आप जानते ही होंगे उन पर भी नौकरानी से रेप का आरोप लगा था। ये मामला 2009 का है, उनको गिरफ्तार किया गया था। 20 साल की उनकी नौकरानी थी जिसने उन पर ये गंभीर आरोप लगाए थे। शाहिनी आहूजा जिन्होंने शुरुआत ऐसे की थी जैसे बहुत ज्यादा सुपरस्टार बनने का दम वो रखते थे, लेकिन इस आरोप ने उनके करियर पर, उनके जिंदगी पर बहुत बुरा असर डाला था। तो ये वो लिस्ट है उन एक्टर्स की जिन पर यौन उत्पीड़न और रेप जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। आप बताइए इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है।